हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आरजे दिलीप और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक बिल्कुल ख़ास मेहमान। प्रोस्टेट हेल्थ और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में उनसे होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट बातें। डॉक्टर प्रदीप राव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ग्लोबल हॉस्पिटल एंड कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट रिलायंस फाउंडेशन सर HN हॉस्पिटल मुंबई। So, welcome sir, कैसे हैं आप? It's a pleasure to be online here with RJ Dilip and Big FM. And you guys have been doing a great job through this pandemic, keeping people entertained when they've been stuck at home. Thank you so much for that. Great sir. सबसे पहला सवाल जो आपसे यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा वो यही है कि आखिर प्रोस्टेट कैंसर है क्या? लोग प्रोस्टेट कैंसर को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, तो एज एन एक्सपर्ट आपसे जानना चाहेंगे सर अबाउट प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट ये ग्रंथि रहती है, सिर्फ मेन में रहती है एंड ये 40 इयर्स के उम्र के बाद साइज में बढ़ती है और ये ग्रंथि में प्रोस्टेट कैंसर जब भी होता है प्रोस्टेट कैंसर कहलाता है जी। तो इट इज अ डिजीज एक्सक्लूसिवली ऑफ मेन एंड यूजुअली ऑफ ओल्डर मेन, although men after the age of 40 any time can get prostate cancer. So hum log normally isko disease of aging kehte hain. So most of the people who get this prostate cancer are older than the age of 60, although in a few instances we do get aggressive cancers which are seen from the age of 40 onwards. It is a genetic disease, right? So it runs in families. Ek aadmi ko agar hua to unke beton ko ya unke bhaiyon logon ko aur unke bhai ke beton ko ये फैमिली में ज्यादा रिस्क रहता है और अगर आपके ऐसे रिलेटिव को है तो आपको मच हायर रिस्क देन रेगुलर पॉपुलेशन है। राइट, नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट कॉजेस प्रोस्टेट कैंसर। आखिर प्रोस्टेट कैंसर होता कैसे है? सो देयर इज नो वन स्पेसिफाइड कॉज बट यस, वेस्टर्न डाइट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग and air pollution, all these definitely contribute because India mein zyada tar hum dekhte nahi the prostate cancer 30-40 saal pehle aur aajkal incidence kafi badh gaya hai. So right, eating of high fat diet, red meat plus smoking and air pollution, industrial pollution, all these factors are leading to an increased incidence of prostate cancer nowadays. To main ye bhi janna chahunga hamare jo viewers hain जब प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जान चुके हैं तो हाउ कैन दे आइडेंटिफाई कि ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है प्रोस्टेट के साथ। व्हाट आई मीन इज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, अगर आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो नॉर्मली प्रोस्टेट कैंसर हम लोगों के पास जो आता है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को बार बार पेशाब के लिए लगता है, इरिटेटिव वॉइडिंग सिम्टम जो उनको पेशाब करेंगे दो घंटे के अंदर पेशाब के लिए जाएंगे जी। लेकिन ज्यादातर सिम्टम्स ये प्रोस्टेट कैंसर के जो रहते हैं ये लेट स्टेज में आ जाते हैं सिम्टम्स, सो इट इज अ साइलेंट डिसीज। तो इसलिए हम स्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 45 एवरीबडी शुड डू देयर ब्लड टेस्ट विच इज PSA वंस अ ईयर, हर साल में एक बार एक ब्लड टेस्ट करो, अगर उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो 40 के बाद ही चालू करो PSA करना, अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 45 के बाद। एक साल में एक बार एक ब्लड टेस्ट करके आपको जल्दी पिकअप हो सकता है अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर होने वाला है। राइट, सो व्हाट इज अ PSA टेस्ट, क्योंकि जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे PSA टेस्ट के बारे में, तो इफ यू कैन एलैबोरेट ऑन PSA टेस्ट, ये होता क्या है आखिर? तो ये PSA वो चीज है जो प्रोस्टेट से सिक्रीट होती है और ये हार्मोन, ये एंजाइम है जो उसका मेन फंक्शन रहता है लिक्विफैक्शन ऑफ सीमेन, जो सीमेन निकलता है आदमी से वो लिक्विफाई होता है ये PSA के जरिए और उसका लिक्विफैक्शन जरूरी है सो दैट सीमेन कैन रीच द एग्स इन द फीमेल फॉर रिप्रोडक्शन, बिकॉज अगर थिक रहे इट विल नॉट बी एबल टू एंटर द यूटरस फॉर रिप्रोडक्शन, सो PSA का ये काम रहता है। अभी ये PSA बढ़ जाता है प्रोस्टेट कैंसर में, राइट एक दो वेरिएशन है प्रोस्टेट कैंसर में जिसमें ये नहीं बढ़ता है,
लेकिन 90-95% टाइप्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर में एक बढ़ता है, और ये बढ़ने के ऊपर हम प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज कर सकते हैं। एक याद रखिए कि प्रोस्टेट कैंसर के अलावा भी पीएसए बढ़ सकता है, बिनाइन प्रोस्टेट भी बहुत बड़ा हो गया तो पीएसए बढ़ सकता है, इन्फेक्शन में भी पीएसए बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपको पीएसए डेफिनेटली बढ़ गया है यानी कि आपको कैंसर है। जिनका पीएसए बढ़ता है right. 20% लोगों को कैंसर रहता है। Now that's a very very important information which you have shared Dr. Pradeep Rao, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस वक्त देख रहे हैं, तो 40 के बाद एक जो कॉमन सा टेस्ट है जिसको रूटीन टेस्ट में इंक्लूड करना चाहिए वो ये वाला टेस्ट है, PSA टेस्ट। तो सर सॉरी आई लॉस्ट यू देयर, कैन यू प्लीज रिपीट सर। आपका अगर पीएसए बढ़ा हुआ है आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, वो पहले एग्जामिन करेगा आपको, एंड अगर उसको शंका है तो और इन्वेस्टिगेशन करेगा, एमआरआई करेगा, सोनोग्राफी करेगा, या पीएसए का थोड़ा वेरिएंट्स भी रहता है फ्री पीएसए जैसे, वो करेंगे और वो सब देखने के बाद right. बोलेंगे आपको प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वी अंडरस्टूड कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है, पीएसए टेस्ट क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि जितना हमने बातें की है और भी अलग अलग डॉक्टर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, उसे ये बात समझ में जरूर आई है कि प्रोस्टेट कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं है, एंड सो इफ यू कैन एलैबोरेट ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ये तो है कि प्रोस्टेट कैंसर इज नॉट लाइक अदर कैंसर, इसमें हम 15 साल के सर्वाइवल देखते हैं जहाँ दूसरे कैंसर में 5 साल का सर्वाइवल देखते हैं। तो यस, पेशेंट कैन लिव लॉन्गर, लेकिन इसमें भी काफी सफरिंग हो सकता है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना लो तो। लेकिन बेस्ट पार्ट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज दैट इवन इफ इट इज इन स्लाइटली एडवांस स्टेज, आजकल हम क्योर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रोस्टेट कैंसर आ गया, फैला हुआ है कि आदमी मरने वाला है, हम लोग काफी कंट्रोल में रख सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट दो तरीके का होता है, एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है जिससे हम कैंसर पूरा मिटा सके, और अगर कैंसर पूरा नहीं मिटा सके तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट है जिसमें हम कैंसर कंट्रोल में रख सकते हैं, और ये कंट्रोल 8-10-15 साल भी रख सकते हैं। सो प्रोस्टेट कैंसर का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट एसेंशियली दो टाइप रहता है, एक सर्जरी रहता है, एक रेडियोथेरेपी रहता है, और प्रोस्टेट कैंसर का पैलिएटिव ट्रीटमेंट हार्मोनल थेरेपी रहता है और बहुत लेट स्टेज में कीमोथेरेपी दे सकते हैं। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी नॉर्मली हम देते हैं ओल्डर पीपल हु आर नॉट फिट फॉर एनी सर्जरी, बिकॉज रेडियोथेरेपी लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो है सर्जरी जितने अच्छे नहीं है। लॉन्ग टर्म रेडियोथेरेपी के रिजल्ट 5-10 साल में लगभग 50% सर्वाइवल रेट रहता है, या सर्जरी का लगभग 95% 98% रहता है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि सर्जरी इज अ बेटर ट्रीटमेंट एज लॉन्ग एज पेशेंट इज फिट फॉर एनेस्थीसिया। ये सर्जरी में आजकल हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जो हम हरकिशन दास हॉस्पिटल एचडी लायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में कर रहे हैं, जो रोबोट से हम प्रोस्टेट ग्रंथि निकाल सकते हैं, और इसमें सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन और कम हो जाते हैं और रिजल्ट काफी अच्छे रहते हैं। सो ऐसे ही हम लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक दोनों सिमिलर अप्रोच है। रोबोटिक में 5-10% का एडवांटेज है कि पेशेंट का सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन काफी कम हो जाता है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच इस इंफॉर्मेशन के लिए। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि जब इतने सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे डाइट को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, तो कौन सी बातों का ख्याल रखा जाए, कैसे प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन किया जाए, सम टिप्स इफ यू वुड लाइक टू शेयर सर। सो मैं तो कहूंगा कि आफ्टर द एज ऑफ 45 इट्स वेरी एसेंशियल टू गेट फुल बॉडी चेक वंस अ ईयर, कोई बीमारी होने वाले हो तो इट्स पिक्ड अप अर्ली, बिकॉज अर्ली स्टेज में तो कंप्लीटली 100% क्योर हो सकता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि रेगुलर एक्सरसाइज, कीपिंग योर सेल्फ बॉडी फिट एंड ईटिंग ए हेल्दी डाइट, fresh fruits and vegetables are supposed to be protective against prostate cancer, especially fruits like tomatoes, fruits which are kissed by the sun, we say,
they are definitely protective against prostate cancer. So it's very important to have a healthy diet and a lot of fresh fruits and vegetables in your diet. अब क्योंकि सर पैंडेमिक चल रहा है और पैंडेमिक की वजह से लोग अवॉइड करते हैं कि चलो देखते हैं घर पे ही कोई इलाज वगैरह कर ले, और बहुत बार जो सिम्टम्स होते हैं, जो तकलीफ होती है, उसको खुल के बताते नहीं हैं, ये सोचकर कि यार ये कोविड का सबसे बड़ा टेंशन है। मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि पैंडेमिक में भी वो कैसे हॉस्पिटल्स को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे अर्ली डिटेक्शन हेल्प करता है प्रोस्टेट कैंसर में, सर बताइए। मैं तो कहूंगा कि डिसीजेस लाइक प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर आर मच मोर डेंजरस देन द सेकंड थिंग इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द हॉस्पिटल्स इन मुंबई आर एक्सट्रीमली सेफ प्लेसेस. They have made arrangements to make sure that COVID patients are separated from other patients. So there is abhi aapko hospital jane mein darne ki koi zarurat nahi hai. And COVID ka treatment acha ho raha hai because remdesivir bahut acha chalta hai COVID treatment mein. So I like to tell people that don't be scared of COVID. Of course, you should take your precautions, wear your mask when you go out and do not take any risks. But if you need treatment, please feel free to go to a hospital. All the hospitals are taking care to make sure you don't get COVID and they're extremely safe places to go. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रदीप राव सर, आज आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े एंड इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स के साथ यहाँ पर शेयर की। सर डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी सेफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू दिलीप, थैंक यू, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू।